हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। गिव वेरीफाई द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू। ओके, अ लेटर टू गॉड यानी ये जो चैप्टर है ये इस कहानी को संक्षेप में वर्णन कीजिए, और डाकपाल ने क्या किया यानी उन्होंने क्या किया पोस्टमास्टर ने। ठीक है, और मैंने वन लाइनर में भी और शॉर्ट आंसर में भी बात कर चुका हूँ, ये सिर्फ लॉन्ग है इसलिए इसको सिरसरे नज़र से देख लिया जाते हैं। ठीक है, और आज जो है आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग आंसर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इसमें आप सभी को मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स और जो भी इसके फिल इन द ब्लैंक्स है वही पूरे आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, वंस द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज हार्वेस्ट। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड हिम मनी। ओके, देखिए हम जैसे लॉन्ग को लिखे हैं, गैप दिए हैं, आप लोग भी गैप दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको क्वेश्चन माइंड में अच्छे से सेट रहेंगे, और आप जब भी लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर भी एक बेहतर इम्पैक्ट होगा। ओके, तो आई होप यू ऑल डू दिस टाइम एंड डू सेम। ओके, तो लेंचो एक गरीब किसान था, और एक बार हेलस्टॉर्म इसके वजह से उसके जो फसलें थे पूरी तरीके से नुकसान हो गए थे, और उन्होंने उस फर्म में ईश्वर में विश्वास किया, इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा आस्किंग हिम टू सेंड हिम मनी यानी पैसे पूछने के लिए उनको भेजा। ओके, तो ये सब मैंने पिछले ही वीडियो में और पिछले ही वन लाइनर शॉर्ट आंसर में भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आएंगे और ज़रा समस्याओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप सभी को। नेक्स्ट है, द पोस्ट मास्टर सॉ दी लेटर, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। ही कलेक्टेड सम मनी विथ द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज। ओके, यानी जो पोस्ट मास्टर ने इस पत्र को देखा और उसने लेंचो की मदद करने के लिए फैसला किया। ही कलेक्टेड सब मनी यानी उन्होंने कुछ पैसे जो है राशि अपने एम्प्लॉयज से भी इकट्ठा किया और उनकी मदद की है। ठीक है, आगे है, ही पुट इट इनसाइड एन एनवलोप व्हेन लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल, द एनवलोप वाज डिलीवर्ड टू हिम। ओके, कहने का अर्थ है कि जो उस लिफाफे में उसने लिफाफे में अंदर रखा था, जब लेंचो पोस्ट ऑफिस के पास आया तो उसने अपने मेल को चेक किया तो द एनवलोप वाज डिलीवर्ड टू हिम और वो जो लिफाफे थे उनके पास डिलीवर्ड हो गए थे। ओके, यानी पहुंचा दिए गए थे। आगे है, लेंचो ओपेंड इट एंड टुक आउट द मनी, ही फाउंड दैट इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क दैट इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क फॉर। ही बिकम एंग्री, ही रोड एनदर लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी बट नाउ थॉ मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंक ऑफ क्रूक्स। कहने का अर्थ है कि लेंचो ने उसे लिया यानी उन्होंने पैसा क्या वो बाहर निकाला, उसे खोला देखा और उसने पाया कि उसमें जो पैसे थे कुछ कम थे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, पूछा, इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क फॉर और वो कहा कि ये तो कम है, फिर उसने पूछा था। ही बिकेम एंग्री, फिर वो गुस्सा हो गया और फिर उसने एक और पत्र लिखा भगवान को पूछने के लिए कि मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं। ठीक है, फिर हालांकि फिर उसने कहा कि इस बार अगर जो पैसे मेरे बचे होंगे वो पैसे आप मेल के माध्यम से ना भेज करके आप मतलब वो डायरेक्ट बोला कि आप मैं खुद लेने आ जाऊंगा, तो उसने ये भी कहा था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे वो पूरी तरीके से बदमाश है या धोखेबाज है। ठीक है, और
सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फेलिंग ऑफ द रेन एंड द डैमेज इट कास इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। कहने का अर्थ है कि अ लेटर टू गॉड पाठ में वर्षा तथा उससे होने वाली क्षति का वर्णन कीजिए। वही है जो आप शॉर्ट में पढ़ें, लॉन्ग में पढ़ें, ओके, आपको वही डिस्क्राइब करना है। उसी में है और लगा कर है, यानी एक और क्वेश्चन उसी पे है, हाउ डिड द हेलस्टॉर्म्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वाज हिज सिंगल होप। वही है कि लेंचो का जो मैदान था, जो उसकी फसलें थी, वो हेलस्टॉर्म से किस प्रकार से अफेक्ट हुआ, यानी किस प्रकार से प्रभावित हुआ, और उसके पास केवल क्या एक उम्मीद थी या उसके पास क्या एक आशा थी। तो वही है, ओलो ने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया और उसकी एकमात्र क्या आशा थी। ठीक है, तो इसका आंसर है, लेंचो अ पुअर फार्मर नीडेड अ शावर बैडली इन हिज फील्ड्स, ही वाज श्योर दैट इट वुड रेन एज ही हैड सीन क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। वन डे बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, लेंचो वेंट आउट एंड वाज वेरी हैप्पी एट द रेन ड्रॉप्स। And but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अब इसके आगे है, यानी लेंचो एक गरीब किसान था और उसे बहुत ही अपने मैदान में मतलब पानी की आवश्यकता थी, और उसे ये श्योर था कि वर्षा होगी, और उसने बादल में देखा भी था कि पूर्वी दक्षिणी पूर्वी की तरफ जो है बारिश होने की संभावना है। तो एक दिन बिग ड्रॉप्स, यानी एक दिन बरसात की जो सबसे बड़ी बूंदें होती है, गिरने शुरू हो गए। तो लेंचो क्या हुआ, बाहर आया, बाहर गया और बहुत ही खुश था उस जो बारिश की बूंदें हो रही थी। ठीक है, किंतु अचानक ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैंड, यानी एक बहुत ही तीव्र गति से जो हवा चली, वो भी तीव्रता से थी, तो उस समय भी एक अलग से उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी हेलस्टॉर्म, यानी ओले जो होते हैं वर्षा के साथ, गिरने शुरू हो गए थे। ठीक है, आगे है, द स्मॉलर बॉयज रेन आउट टू कलेक्ट हेलस्टॉर्म्स विच अपीयर लाइक फ्रोजन फील्ड्स। ओके, यानी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सभी लोग क्या करते थे, जो बरसात के साथ जो ओले गिर रहे थे उस ओले को कलेक्ट कर लिए, इकट्ठा कर लिए, और जिससे कि उनको लग रहा था कि ये फ्रोजन पियर्स है, यानी ये जैसे लग रहा है कोई क्या कहते हैं, चांदी के सिक्के की तरह चमक रहे थे। ठीक है, आगे है, फॉर एन आर द हेल रेन एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेंचोज कॉर्नफील्ड, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर विद साल्ट, द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, कहने का अर्थ यह है कि कुछ ही घंटे तक ही वो जो वर्षा थी और हर जगह पूरी तरीके से फैल रही थी और गिर रहा था, और लेंचो की जो मैदान थी, मैदान के जो फसलें थीं, वो पूरी तरीके से भी प्रभावित हो रहा था, और जो उसकी जो मैदान थे, यानी जो उसके फील्ड थे, उस पर भी वो जो ओले गिरने से चारों तरफ वाइट वाइट हो गया था, तो जिससे वो जैसे लग रहा था वो पूरे नमक से ढका हुआ हो। ठीक है, और उसके पत्तों से फूल भी गिरने लगे थे। सिंपल से बात है, जब बर्फ़ के टुकड़े अगर गिरे तो कोई भी पेड़ हो या पौधा हो या कोई फसलें हो तो नष्ट होते ही हैं। ठीक है, हम लोग भी जल्दी देखते ही हैं। आगे है, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वही उनकी फसलें जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, और लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, His single hope was help from God, so he asked God for money. Okay, यानी जो लेंचो की आत्मा था वो पूरी तरीके से उदास से भरा था, और उसकी एक ही एकमात्र उम्मीद था कि ईश्वर ही उसकी मदद कर, और इसीलिए उन्होंने ईश्वर को पैसे के लिए पूछा, यानी ही आज उसने पूछा God for money, यानी मनी पैसे के लिए ईश्वर से पूछा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। सॉरी, व्हाट वाज लेंचोज वरी, व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड। ओके, यानी लेंचो क्यों दुखी था और व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड,
और उसकी ईश्वर से कैसे मदद हुई। व्हाट सर्कमस्टेंस फोर्स लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी किन परिस्थितियों ने लेंचो को भगवान से सहायता लेने के लिए विवश कर दिया। ये क्वेश्चन है, इसी में और लगा करके 3 क्वेश्चन है और इसी का आंसर एक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी इसी में है, चलिए देख लेते हैं। व्हाई डिड लेंचो राइट टू गॉड, यानी लेंचो ने ईश्वर को पत्र में क्या लिखा या ईश्वर को क्या लिखा। हु रिसीव्ड दिज लेटर एंड व्हाई डिड ही डू, और किसने इस पत्र को प्राप्त किया और वह क्या किया। ठीक है, उसने क्या किया या वह क्या किया। ठीक है, तो इसका आंसर है लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विथ अ लार्ज फैमिली, वंस द मच नीडेड अ प्लेजेंट रेन वाज फॉलोड बाई वेरी लार्ज हेलस्टॉन्स एंड द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचोज फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। ओके, आई हैड नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली। ठीक है, तो यानी लेंचो एक मेहनती किसान था और उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, खुशियों की ज़रूरत था और उसे वर्षा की ज़रूरत थी। तो उसने बहुत ही जो बड़े वेरी लार्ज एलस्टोन एंड द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचोस फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो ओले पड़ रहे थे जिसके वजह से उसकी जो फसलें थी वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई यानी नष्ट हुई। ठीक है, नथिंग वाज लेफ्ट, और उसके उस पुअर लेंचो के पास कुछ भी नहीं बचा और उसके परिवार भी पूरी तरीके से असहाय महसूस करने लगा। आगे है, सो इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, और इसीलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा और आस्किंग है मुझसे पूछने के लिए कि मुझे 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सा हिज फील्ड, यानी वो उनको 100 रुपये पीसेज मांग रहा था कि मुझे आदेश दे और मुझे अपने फील्ड में यानी अपने मैदान में अपने खेत में बीज बुने हैं और दोबारा अपने जीवन यापन को बेहतर करना है। तब तक के लिए वो न्यू क्रॉप्स के और नई फसलें भी लाना है या नई फसलें भी आने के लिए। ठीक है, द लेटर वॉज रिसीव्ड बाई अ पोस्टमैन, और वो जो पत्र था वो एक पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, आगे है, दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी, दे कलेक्टेड 70 पीसेज एंड सेंड इट टू लेंचो। ओके, यानी उन्होंने फैसले किए कुछ पैसे भेजने के लिए और उन्होंने 70 पैसेज ही कलेक्ट किए और लेंचो को भेज दिए। ठीक है, आगे है, वेन लेंचो ओपन द इनवलोप ही फाउंड इन इट ओनली 70 पीसेज, जब लेंचो ने लिफाफे को खोला तो उसने केवल 70 पैसेज ही पाया। जब भी ही हैड आस्क, जब भी वो पूछा था। आगे है, यानी ही हैड आस्क गॉड फॉर 100 पीसेज, और उसने ईश्वर से 100 पीसेज के लिए पूछा था। ओके, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपुल हैड टेकन अवे 30 पीसेज फ्रॉम द एनवलप, और उन्होंने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के लोग ही 30 पीसेज जो है ले लिए होंगे लिफाफों से। ठीक है, सो ही कॉल देम बंक ऑफ क्रूक्स, ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम क्रूक्स, बट इट ओनली शोज हिज फर्म फेथ इन गॉड एंड हिज इनोसेंस। ओके, इसलिए उन्होंने उन सभी एम्प्लॉय को बंक ऑफ क्रूक्स कहा था, यानी कि बदमाश या धोखेबाज कहा था, और इसलिए उन्होंने जस्टिफाइड नहीं किया और उनको बदमाश कहकर छोड़ दिया। किंतु इट ओनली शोज हिज फर्म फैथ इन गॉड एंड हिज इनोसेंस, और वो ईश्वर में ही विश्वास दिखाए, और क्योंकि वो नादान थे, होता है ना नादान, तो वो नादान थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, गिव रीजन फॉर योर लिंकिंग। ओके, लाइकिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर करेक्टर
emerge when he opens the envelope. He decides to send some money to the letter writer so that his faith in God is maintained. ओके, यानी ये बहुत ही बेहतर भाग है पोस्टमास्टर के चरित्र का. जब वे लिफाफे खोले तो उन्होंने फैसला किया कुछ पैसे भेजने के लिए, और उन्होंने पत्र भी लिखा था, और क्योंकि उनको ईश्वर में विश्वास था तो उन्होंने इनको मेंटेन किया, यानी इनको मैनेज किया, उनको सहारा दिया. ठीक है, मेंटेन किया, आगे है तरह था. ठीक है, दिस शोज दैट द पोस्टमास्टर लव्स टू परफॉर्म गुड डीड्स एंड फाइंड्स कंटेनमेंट फ्रॉम इट, दस ही इज एन एमेबल एंड लार्ज हार्टेड फेलो. ओके, और इस दृश्य में कि पोस्टमास्टर लव करता था, यानी उनसे प्यार करता था, उनके बारे में उनको अच्छा लगा, परफॉर्म गुड, उनकी जो परफॉर्म था बहुत बेहतर लगा उनको, और उन्होंने उनके कंटेनमेंट को से भी खोजा था, इसलिए उनको उनकी जो व्यवहार था वो काफ़ी हार्डली उनको छू रहा था, यानी उनको मिलनसार महसूस हो रहा था. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे. तो ये पूरे लॉन्ग आंसर के हैं. अभी आपके एक और आंसर क्वेश्चन है इसमें, वो भी देख लेते हैं. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो. ओके, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी में लेंचो एक मुख्य किरदार में है, अ लेटर टू गॉड. ओके, तो इसका पूरा आंसर है, अ पुअर मैन, यानी वो गरीब व्यक्ति था, लेंचो इज द पुअर फार्मर, बट वन ईयर हिज क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टॉन्स, नोबडी हेल्प्ड हिम, ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड. ओके, तो इसका अर्थ है कि लेंचो एक गरीब किसान था, और किंतु उसकी जो फसलें थी वो पूरी तरीके से एक साल में पूरी तरीके से हेलस्टॉन्स बाय, यानी कि ओले के वजह से, यानी ओले के द्वारा पूरी तरह से उनकी फसलें जो है नष्ट हो गई थी. ठीक है, कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं था, ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, और वह पूरी तरह से असहाय और दुखी थे. ठीक है, और इन दिस पैसेज एंड सेकेंड फॉर्म फैथ इन गॉड, और उनके तरफ से जो ईश्वर में विश्वास थी, लेंचो हैड फॉर्म फैथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन मेजरी. ओके, मेजरी ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर. ओके, यानी लेंचो को ईश्वर में विश्वास था. ओके, और उन्होंने यह विश्वास किया कि भगवान ही हमारी मदद करेंगे. ओके, इन परिस्थितियों में भी ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, और उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, यानी भूखे में लोग नहीं मरेंगे, उन्होंने ये ऐसा कहा कि आप भूखे में नहीं मरेंगे. ओके, इस तरह की उनको मैसेज दी गई थी. नेक्स्ट एंड थर्ड है, सिंपल एंड इनोसेंट, वो काफ़ी साधारण और नादान तरह का था. ठीक है, तो लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 pieces. ओके, यानी लेंचो सिंपल था और नादान भी था, और उन्होंने एक पत्र लिखा ईश्वर को और निवेदन किया कि मुझे 100 rupees या 100 pieces जो है भेज दें. ओके, और आगे है, He did not know that it was impossible. He was not surprised to have an envelope with money. He believed that it was from God. Okay? यानी वो नहीं जानता था कि यह असंभव नहीं था. He was not surprised. वो सरप्राइज भी नहीं था. To have an envelope with money. यानी जो लिफाफे में पैसे के साथ जो लिफाफा था, He believed that it was from God. और उसने विश्वास किया कि यह जो है ईश्वर के माध्यम से आया होगा. ठीक है, लेकिन उसे कहाँ पता कि ये तो लेंचो को पोस्ट मास्टर ने भेजा था. कितने संघर्ष करके अपने कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से, खुद अपने सैलरी में से भी आधा दे करके उसकी मदद किया. ठीक है, तो ईश्वर इंसानों के रूप में ही दिखते हैं. ठीक है, ये एक तरफ से हमको सिखा रहा है. ओके, और इसी में आपके अपोजिट भी है, अपोजिट है, और आपके
पूरे फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स, ओके वो भी देख लेते हैं। अपोजिट में देखिए, ट्रू फॉल्स रॉन्ग, सेटिस्फाइड अनहैप्पी अनसेटिस्फाइड, एंड कंसेंस का अनअवेयर, एंड लॉस का प्रॉफिट, इनसाइड का आउटसाइड, ओके। और चलिए मैच द कॉलम भी देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। हेल्प लेंचो, और लेंचो की मदद किसने किया था? पोस्ट मास्टर ने किया था। लेंचो वाज, लेंचो क्या था? फार्मर था। द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर टू शैक द राइटर्स फैथ इन गॉड, ओके। ट्रू फॉल्स है, देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है? से वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू और फॉल्स। लेंचो वाज नॉट अ फार्मर, गलत है। ही वॉज वेरी सैड टू सी द हेलस्टोन्स, यस। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, फॉल्स है। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, ट्रू। लेंचो रोड टू लेटर्स टू गॉड, ट्रू, ओके। यानी लेंचो किसान नहीं था, ये तो गलत है, किसान तो था। वह बहुत ही सैड था क्योंकि ओले गिर रहे थे बिल्कुल, और वो उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, ये भी गलत है। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, बिल्कुल दयालु था। लेंचो रोड टू लेटर्स, बिल्कुल लिखा था।